दोस्तों, वैसे तो फिल्मी दुनिया में अजीबो गरीब घटनाएं होती रहती हैं। कितने ही कलाकार यहाँ अपनी किस्मत आजमाते हैं, जिनमें से कुछ की किस्मत चमकती है तो कुछ की नहीं। यहाँ पर न जाने कितने लोग फर्श से अर्श तक की ऊंचाई पर पहुँचते हैं और अर्श से फर्श पर भी आए हैं। आज हम ऐसे ही एक अभिनेता की बात करने वाले हैं जिसके करियर का ग्राफ उनके पहली फिल्म के बाद से गिरता गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोज कुमार के छोटे भाई राजीव गोस्वामी की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा लेकिन वो अपने भाई की तरह सफल नहीं हो पाए। उनके साथ लॉन्च हुए कलाकारों की एक के बाद एक फिल्में आती गई, लेकिन यहीं पर राजीव की फिल्मों का पता ही नहीं था। अपने डेब्यू फिल्म के बाद ही उनका ग्राफ लगातार गिरता चला गया, जो कभी ऊपर नहीं उठ पाया। आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ उनके साथ कि वो फिल्मों की दुनिया से गायब हो गए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, राजीव अपने भाई की तरह फिल्मों में आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले एक्टिंग सीखी, उसके बाद फिल्मों में अभिनय करने के लिए एंट्री मारी। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1983 में किया। उनके भाई मनोज कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म पेंटर बाबू में लॉन्च किया। फिल्म को अशोक वी भूषण द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म में राजीव और मीनाक्षी शेषाद्री मुख्य किरदार में नजर आए। साथ ही फिल्म में नीलिमा भी मुख्य किरदार के रूप में दिखाई दी। इसके अलावा फिल्म में कई और कलाकारों ने अपना सहयोग दिया था, जैसे भरत कपूर, अरुणा ईरानी, ओम शिवपुरी, सीएस दुबे। आपको बता दें कि राजीव के अलावा ये फिल्म मीनाक्षी और संगीतकार उत्तम सिंह की भी डेब्यू फिल्म थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन दर्शकों ने काफी हद तक फिल्म को पसंद किया। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म साल 1987 में आई, जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर सहायक भूमिका निभाई और वो रमन के किरदार में नजर आए। फिल्म का शीर्षक था कलयुग और रामायण, जिसे निर्देशित किया था बाबू भाई मिस्त्री ने और शशि गोस्वामी ने इसे प्रोड्यूस किया था। फिल्मों में मनोज कुमार पवन पुत्र श्री हनुमान के किरदार में नजर आए और वहीं पर माधवी सरिता के रूप में नजर आई। इसके अलावा फिल्म में प्रेम चोपड़ा, बिंदु, सतीश शाह, ओम प्रकाश जैसे अन्य कलाकार नजर आए। फिल्म आधुनिक परिवेश में रामायण पर आधारित थी और इसमें गीतकार के रूप में माया गोविंद और वर्मा मलिक शामिल थे। राजीव को उनकी पहली फिल्म के अलावा किसी और फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में मौका नहीं मिला। धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर होने लगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म में अभिनय किया, जिसका शीर्षक था क्लर्क, जो साल 1990 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर खुद मनोज कुमार थे। यही नहीं, उन्होंने इसमें बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय भी किया था। उनके अलावा मुख्य भूमिका में कई और कलाकार नजर आए, जैसे शशि कपूर, रेखा, अनीता राज, राजेंद्र कुमार और अशोक कुमार। इस फिल्म में राजीव भरत के भाई बलराम के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद उन्हें फिल्मों में कभी नहीं देखा गया, वो फिल्मी दुनिया से लगभग दूर हो गए। साल 1991 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, जिसमें निर्देशक और निर्माता खुद राजीव थे, जिसका शीर्षक था देशवासी, जो वीआईपी फिल्म कॉम्बिनेशन के बैनर तले रिलीज हुई थी, जिसमें उनके भाई मनोज कुमार मुख्य किरदार के रूप में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में हेमा मालिनी, अनुपम खेर, पूनम ढिल्लो, मंदाकिनी, सुरेश ओबराय और ओम शिवपुरी जैसे प्रसिद्ध कलाकार भी शामिल थे। एक निर्देशक और निर्माता के रूप में भी वो सफल नहीं हो पाए और ये उनकी एकमात्र डायरेक्टरेट फिल्म थी। दोस्तों, कहा जाता है कि फिल्में फ्लॉप होने के बाद राजीव डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, जिससे वो जल्दी उभर नहीं पाए और एक्टिंग की दुनिया में उनका करियर समाप्त हो गया। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। दोस्तों, मीनाक्षी के साथ उन्होंने अपने अभिनय करियर को शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें एक अच्छा स्टारडम नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वहीं पर मीनाक्षी लगातार फिल्में कर रही थी। राजीव से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चला, ये बात तो सही है, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष हालातों का है, जिसके सामने मैं मजबूर हो गया था। उन्होंने कहा कि पेंटर बाबू के प्रदर्शन के फौरन बाद मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन ने मुझे मानसिक रूप से बड़ा आघात पहुँचाया। उस समय मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने कहा कि जब मैंने देशवासी के स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया तो साल 1984 में मेरी मां की मृत्यु हो गई।
और ये मेरे जीवन का दूसरा सबसे बड़ा झटका था। लेकिन मैं दोबारा खड़ा हुआ और संघर्ष करता गया। दोस्तों, राजीव ने अपने फिल्मी करियर में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो उनके एक्टिंग करियर को ही ले डूबी। पेंटर बाबू के बाद उन्हें कई फिल्मकारों ने अपने फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसके चलते वो सभी फिल्में दूसरों को मिल गईं और उनके हाथ से सब कुछ निकल गया। उनके निजी जीवन की बात करें तो ना उन्होंने और ना ही उनके परिवार के किसी मेंबर ने उनके निजी जीवन के बारे में कभी जिक्र किया, इसलिए उनके निजी जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस बात को सब जानते हैं कि वो मनोज कुमार के भाई हैं। मनोज की पत्नी का नाम शशि गोस्वामी है। दोस्तों, मनोज कुमार के बारे में हम वीडियो के शुरू से ही जिक्र कर रहे हैं। वो अपने परिवार में एक सफल अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में उभर कर सामने आए थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों को निर्मित, निर्देशित और कई में अभिनय किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि मनोज कुमार के पिता उनसे काफी नाराज थे इस बात को लेकर कि वो राजीव को लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं। लॉन्च करने के बाद जब परिणाम सामने आया तब भी वो उनसे नाराज थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मनोज ने फिल्म के प्रोडक्शन में कम पैसा लगाया है। बहरहाल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजीव के दो भतीजे हैं, विशाल और कुणाल गोस्वामी, जो मनोज कुमार के बेटे हैं। विशाल एक फिल्म निर्माता हैं, वो फिल्म कलर्क के लिए जाने जाते हैं, जो साल 1990 में आई थी। उन्होंने जय हिंद और कलयुग और रामायण जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। उनके दो बच्चे हैं, वंश गोस्वामी और मुस्कान गोस्वामी। वहीं पर कुणाल एक पूर्व अभिनेता हैं, उन्होंने कुछ ही फिल्मों में अभिनय किया है लेकिन वो चल नहीं पाए और अभिनय को छोड़कर केटरिंग का काम करने लगे। उन्होंने साल 2005 में रीति गोस्वामी से शादी की और दोनों का कर्म नाम का एक बेटा भी है। दोस्तों, राजीव ने कुछ ही फिल्मों में अभिनय किया लेकिन वो अपने आप को साबित करने में असफल रहे। फिर भी हम चाहते हैं कि ऐसे फ्लॉप कलाकारों के बारे में आपको पता चले, इसलिए हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। भले ही वो कामयाब नहीं हो पाए लेकिन अपने कुछ ही फिल्मों के जरिए ही सही वो फिल्मी दुनिया में अमर हो गए। हालांकि फिल्मों से गायब होने के बाद किसी को ये नहीं पता कि वो अब क्या करते हैं और कहां रहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच में राजीव के फ्लॉप होने के पीछे उनके हालात जिम्मेदार हैं? दोस्तों, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।